चलो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था हमारा, और मैंने आपको तीन संख्याओं का लैसे मैसे निकालना बताया था। देखेंगे जैसे हमें 17, 19 और 23 का मैसे लैसे निकालना है, मैसे व लैसे याद करना है। ऐसे करेंगे वो देखेंगे। अब मैं देखो 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 के गुणनखंड होंगे 17 × 1, 19 के गुणनखंड होंगे 19 × 1 और 23 के गुणनखंड होंगे 23 × 1। अब मैं से बराबर सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। अब तीनों में जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो एक है, तो मैं से जिसको एससीएफ कहते हैं ये आ जाएगा एक, तो मैं से बराबर तो आ गया इनका एक। अब निकालेंगे एलसीएम जिसको लैसे कहते हैं, लैसे बराबर में प्रत्येक गुणनखंड की, प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घातों का गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घातों का गुणनखंड। इसमें पहला गुणनखंड है 17 का, दूसरा गुणनखंड है 19 का और तीसरा गुणनखंड है 23 का। इन तीनों का गुणा करेंगे तो पहले 17 × 19 करें, 19 × 7 = 133 और राशि लगी 13 × 19 = 19, 19 और 13 = 32। अब इनका गुणा 23 से करेंगे, 23 × 73, 23 × 46, 46 और 52 का 2 और 23 × 73, 73 को 5 से गुणा करेंगे 74, तो 7429 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से हम तीन संख्याओं का लैसे और मैसे निकाल सकते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चार में जो प्रश्न है हमारा, उसमें प्रश्न में कहा गया है कि एक संगोष्ठी में हिंदी विषय के 60, अंग्रेजी के 80 और गणित विषय के 108 विद्यार्थियों ने भाग लिया। हिंदी के 60, अंग्रेजी के 80 और गणित विषय के 108 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को समान संख्या में एक ही विषय के अलग अलग कमरों में बिठाया जाना है, तो हमें आवश्यक कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आवश्यक कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले तो हम तीनों की समान संख्या ज्ञात करने के लिए, तीनों की समान संख्या ज्ञात करने के लिए, तीनों की समान संख्या ज्ञात करने के लिए 60, ये 84 विद्यार्थी हैं अंग्रेजी के, 60, 84, 108 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। और 60 के गुणनखंड करेंगे, इधर 84 के करेंगे और इधर 108 के करेंगे, तीनों के गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया इसमें 30 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 15 बार गया, 3 का भाग दिया 5 बार गया और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार, इसमें 2 का भाग दिया 42 बार गया, 2 का भाग इसमें दिया
इक्कीस बार गया, तीन का भाग दिया सात बार गया, सात में सात का भाग एक बार, इधर दो का भाग दिया चौवन बार गया, दो का भाग दिया सत्ताईस बार गया, तीन का भाग दिया नौ बार गया, नौ में तीन का भाग दिया तीन बार, तीन में तीन का भाग दिया तो एक बार गया। तो ये आगे साठ बराबर तो दो दो चार, चार किया बारह, बारह पंजे साठ, और चौरासी के आगे दो गुणा तीन गुणा सात, और 108 के गुणनखंड आगे दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन। अब इन तीनों का मैं से निकालना है एचसीएल अपन को, तो एक गुणनखंड तो इनमें दो का मिल गया, फिर एक दो का मिल गया, और अगला गुणनखंड इनमें तीन का मिल गया, तो मैं से हो गया दो गुणा तीन, और मैं से बराबर बारह आ गया। तीनों की जो समान संख्या है वो बारह आ गई। अब अपन को आवश्यक कर्णों की संख्या निकालनी है कि, तो आवश्यक कर्णों की संख्या निकालने के लिए तो कुल प्रतिभागी तो हो गए ये कुल प्रतिभागी बराबर में साठ प्लस चौरासी प्लस एक सौ आठ, ये हो गए आठ चार बारह, और आठ चार बारह मतलब एक नौ चार पंद्रह, दो सौ बावन हो गए। तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर में कुल प्रतिभागी, और इनमें तीनों की समान संख्या, तीनों की समान संख्या। तो कुल प्रतिभागी तो हो गए दो सौ बावन, और समान संख्या हो गई बारह, बारह दूनी चौबीस, और बारह एकम बारह, तो कुल कमरे हो गए इक्कीस। कुल कमरे बराबर चाहिए इक्कीस। इस तरीके से हम आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी दो पर दो प्रश्न आ गई पूरी।